देखो जी, मैनू तो ये ना जिहड़ा सरकार दा जुमला लगता है भी 2024 इलैक्शन साढ़े आ रहा है बहुत जल्द, तुहानू पता ही है जिवें कि 2024 कोई टाइम नहीं है, तो जुमला साबित होगा क्योंकि हले तक जिहड़ी जनगणना साडी वह भी नहीं हुई, परसिमन होगा उहदे विच। जिवें अगर मैं अपने हरियाणा की गल करता, हरियाणा च भी मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट तो आना, तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट दीआं 5 विधानसभा सीटां इत्थे भी आने वाले टाइम च परसिमन तो बाद 7 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे, तो उन्हें 33% डिवाइड किवें करोगे? जिन्ना चिर परसिमन नहीं हुंदा उन्ना चिर यह महिला आरक्षण जिहड़ा है लागू नहीं हो सकता। ये सरकार एक जुमले के तौर पर इहनूं पेश करदी और 2024 के इलैक्शन मतलब फायदा लेना चाहती है, लाभ लेना चाहती है, उहदे नाल नाल जो नवंबर दे विच साडे 5 स्टेटां दे इलैक्शन है उन्हां दे विच भी फायदा लेना चाहुंदी आ। और इहदे नाल नाल मैं एक चीज़ होर दसना चाहुंदा तुहाडे चैनल दे माध्यम तो, कि जो OBC है, पिछड़ा वर्ग हो गया, जिहड़ा SC ST हो गया, उहनां नूं इस आरक्षण दे अंदर की लाभ दित्ता जाऊगा? उहनां लई अलग तो आरक्षण होगा जां फिर वड्डे वड्डे जिहड़े इहनां दे घराने आ उहनां दीआं ही औरतां फिर इलैक्शन लड़नगीआं? बिल्कुल, मैं शुरू च ही कहा कि एक जिहड़ा चुनावी जुमला मैनूं लगदा मतलब इलेक्शन दा, उस करके सारा किया जा रहा है। देखो मैं तो यही कहूँगा कि जो महिलाएं, हमारी आधी आबादी महिलाएं हैं, तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए और ये बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। और मैंने अभी बात की आपको कि OBC SC जो पिछले वर्ग से आते हैं, जो कमज़ोर वर्ग है, उनकी वो महिलाओं को अलग से आरक्षण हो। तो मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा के अंदर सरकार देती तो नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री को देखा होगा, बहुत बार हमारे सिरसा पीछे आए तब खैरेगा के अंदर हमारी एक माता के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया उन्होंने, उस तो बाद हुण करनाल साइड उधर एक जनसंवाद दे विच एक अपनी भैन हरियाणा की बेटी जो क्वेश्चन करती है कि एक इंडस्ट्री साढ़े लाई जाए तो उन्होंने मजाक उड़ाया जाता उन्हों का कि अंतरिक्ष भेज देंगे, और बाद माफ़ी मंगते हैं कि मेरी तो भैन सी उन्हां नाल मैं मजाक करिया। और साढ़े हरियाणा का कल्चर इस तरीके का नहीं कि आपकी भैन के नाल इस तरीके का मजाक किया जाए, आपकी सिस्टर के नाल इस तरीके का मजाक किया जाए।